नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। लोकसभा में 12 बजे आर्थिक सर्वे पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश होगा सर्वे। लोकसभा में 12 बजे आर्थिक सर्वे पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी सर्वे रिपोर्ट। राज्यसभा में भी दोपहर 2 बजे पेश होगा सर्वे। योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट कावड़ मार्गों में नेम प्लेट वाले आदेश पर सुनवाई। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में दी फैसले को चुनौती। कोर्ट में याचिका में आदर्श को रद्द करने की मांग। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। वहीं बीजेपी पर लगाया गया विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। कांवड़ मार्गों में नेम प्लेट वाले आदेश पर सुनवाई। एनजीओ की याचिका पर आज होगी सुनवाई। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में दी फैसले को चुनौती। बीजेपी पर लगाया विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। कोर्ट से याचिका में आदेश को रद्द करने की मांग। आज होगी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई। बीजेपी पर लगाया गया विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दी है चुनौती। कांवड़ मार्गों में नेम प्लेट वाले आदेश पर आज सुनवाई। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दी चुनौती। आदेश को रद्द करने की गई मांग। बीजेपी पर लगाया गया विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप। तो यूपी सरकार के कांवड़ मार्गों पर फलों और ठेलों के दुकानदारों के नेम प्लेट लगाना अनिवार्य करने वाले के फैसले के बाद से ही इस फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। वहीं इस मामले में एक एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। आदेश को विभाजनकारी राजनीति करने वाला बताया गया है। साथ ही साथ आदेश को रद्द करने की मांग एनजीओ के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस फैसले मामले पर सुनवाई होनी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से कांवड़ मार्गों पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नया नियम सामने आया है, कांवड़ मार्ग पर तमाम फल और ठेले दुकानदारों को अपना नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अब इस फैसले को एक एनजीओ के द्वारा चुनौती दी गई है। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर बात करें कांवड़ मार्ग पर नेम दुकानों के नेम प्लेट को लेकर, तो योगी सरकार का यह आदेश कहीं ना कहीं सियासत केंद्र भी बन चुका है। जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने जहां इस आदेश को लेकर विरोध जताया और असंवैधानिक करार दिया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के सहयोगी दल यानी कि जयंत चौधरी ने भी विरोध जताया है। जयंत चौधरी कैबिनेट केंद्र मंत्री है और साथ ही साथ उनके विधायक भी जो योगी सरकार में मंत्री है, और जब कल वह बयान दे रहे थे तो उस समय योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं जो है इस फरमान के बाद अपनों और विपक्षी दलों से घिरती नजर आ रही है। वहीं एक एनजीओ ने बीते 20 जुलाई को एक रिट दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि योगी सरकार इस फरमान को वापस ले, और जिस पर आज मामले की सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि योगी सरकार का जो आदेश है उसे रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है या फिर योगी सरकार की इस आदेश को जायज ठहराया जाता है। लेकिन अब इस आदेश को लेकर पूरी तरह से सियासत भी गर्म हो गई थी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक तरफ सियासत गर्म है,
तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप एनजीओ के द्वारा लगाया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो बजट सत्र की शुरुआत भी होनी है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा बेहद अहम उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश जारी किया जाता है कि कांवड़ मार्ग पर जितने भी दुकानदार हैं वो अपने नाम की नेम प्लेट लगा दे, और योगी सरकार ने यह निर्देश इसलिए दिया है कि धार्मिक शिष्टता बनी रहे, लेकिन अब जिस तरह से उपचुनाव के पहले इस पर सियासत शुरू हो चली है और जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से हावी होता दिख रहा है, विपक्ष का कहना है कि सरकार को सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ तक भी बयान दे डाला है कि सरकार के पास और कोई काम नहीं बचा है, उन्होंने इशारों में ही ऐसा बयान दिया है और कहा है कि योगी सरकार को इसे वापस लेना चाहिए, और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के सहयोगी दल यानी कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान आया और उसके साथ ही साथ कई धर्म गुरुओं के भी बयान आ चुके हैं इसे इसके खिलाफ जो योगी सरकार का आदेश है, तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर अब सियासत पूरी तरह से हावी हो गई है, ऐसे में देखना होगा कि जो उपचुनाव होना है, क्योंकि 10 तारीख को उपचुनाव 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से तैयारी में है, और यह मुद्दा कहीं ना कहीं वह गंवाना नहीं चाहती है। अब देखना होगा कि जिस तरह से योगी सरकार का यह फरमान है इससे जो विरोध पैदा हुआ है उस पर समाजवादी पार्टी का कितना फायदा होता है, वहीं बीजेपी को कितनी बढ़त मिलती है देखना बाकी है। जी प्रियंका जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, तो जाहिर सी बात है एक तरफ तो कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के सम्मान की बात की है, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह का यह फैसला आया है ऐसे में एक वर्ग और एक धर्म विशेष के सम्मान की बात भी यहां पर उठती हुई नजर आ रही है। एनजीओ के द्वारा जिस तरह से याचिका लगाई गई है, फैसले को रद्द करने की मांग की गई है, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई होगी तो कई और पहलू भी निकलकर सामने आएंगे? जी निश्चित तौर पर सारी दलीलें रखी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, और जो एनजीओ ने याचिका दाखिल की है ऑनलाइन ही दाखिल किया, लेकिन आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा और तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक शिष्टता भी बरकरार रखने की जो है जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि जिस तरह से इस नेम प्लेट को लेकर राजनीतिक उफान मचा हुआ है इससे कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच जो मनमुटाव है वो काफी बढ़ सकता है, ऐसा आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं, और साथ ही साथ इसका दूरगामी क्या परिणाम होगा इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में एक तरफ हिंदू भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम भावनाएं, जिस तरह से कहीं ना कहीं हिंदुओं को ये जानना जरूरी है कि वो जिस यात्रा को कर रहे हैं उसमें अपनी शुचिता को बरकरार रखें, दूसरी तरफ मुसलमानों को भी कहीं उनकी भावनाएं आहत ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें बीच का कोई मार्ग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से यह मुद्दा है और कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है और यह आदेश कहीं ना कहीं कांवड़ियों के लिए जो है ठीक भी है, क्योंकि जिस तरह से दुकानदार अपना नेम प्लेट बदल कर अपने ढाबे का नाम बदल कर रखते हैं, और ऐसे में अब सावन महीना चल रहा है, कांवड़िए जो है जल लेकर निकलेंगे और कांवड़ मार्ग पर अगर पानी भी खरीदना होगा या फिर खाना भी खाना होगा तो ऐसे में बड़ी समस्या भी हो सकती है, कि धार्मिक शुचिता बनाए रखने का सभी को अधिकार है, और ऐसे में अब जिस तरह से विपक्षी दल लगातार हमला बोल रहे हैं और खासकर अगर सबसे बड़ा हमला तो
एनडीए के सहयोगी दल जयंत चौधरी ने साधा है और जयंत चौधरी का भी यह बयान कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक है, क्योंकि पश्चिम की सीटों पर जयंत चौधरी यानी कि रालोद को काफी वोट मुस्लिमों का मिलता है और यह बयान देकर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी मुस्लिम वोटों को खुश करना चाहते हैं। इस नजरिए से भी जयंत चौधरी के बयान को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूले पर आगे बढ़ रही है, ऐसे में जो पीडीएफ फार्मूला है उसके सदस्यों पदाधिकारियों और वोटरों को खुश करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान काफी आम लगता है। लेकिन अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्या बीच का रास्ता निकलता है या फिर योगी सरकार का यह आदेश निरस्त करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है, यह देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से धार्मिक शुचिता बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने यह फैसला दिया है, आदेश दिया है, और इस आदेश पर अब यूपी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, नेम प्लेट लगाया जा रहा है। इसमें पहला नजरिया यह सामने आया है कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो सकती। जी मोहम्मद आसिफ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। आज से सावन के पावन महीने का आगाज हो चुका है। सावन के पहले दिन ही पहला सावन का सोमवार पड़ा है, जिससे शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य देवादिदेव महादेव के जल अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सुबह से ही शिवालयों मंदिर में भारी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है और भगवान शिव शंभू महादेव का जलाभिषेक दुग्ध अभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से निकलकर सामने आ रही है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन की है। वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर से सामने आ रही है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। सावन मास की शुरुआत हुई है और ऐसे में पहले सोमवार के दिन ही भारी संख्या में कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। चौथी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो हरिद्वार की है। वहीं पांचवी तस्वीर गोरखपुर से निकलकर सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। छठी तस्वीर प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है। वहीं सातवीं तस्वीर नोएडा के मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक करते हुए भक्तों की है। आठवीं तस्वीर मेरठ से है तो नवीं तस्वीर मुजफ्फरनगर और दसवीं तस्वीर सीतापुर से निकलकर सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भारी संख्या में श्रद्धालु महादेव भोलेनाथ की पूजा करने के लिए उनका जलाभिषेक दुग्ध अभिषेक और रुद्र अभिषेक करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और इन 10 तस्वीरों के बाद आपको दिखाते हैं पांच और तस्वीरें जो अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। पहली तस्वीर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है। पूजा अर्चना करते हुए भक्त शिवालयों में पहुंचे हैं और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर से निकलकर सामने आ रही है, जहां क्यों आप देख पा रहे हैं मंदिर में जाने के लिए लंबी कतारें भक्तों की आज देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा जयपुर से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, भगवान शिव का पूजा अर्चना करने के लिए लोग मंदिरों में उमड़े हुए हैं। चौथी तस्वीर दिल्ली के एक मंदिर की है, जहां पर श्रद्धालु आज मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पांचवी तस्वीर कानपुर के बाबा आनंदेश्वर की है, जहां पर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव का पूजन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सावन का आज से आगाज हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। इस मौके पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया और पुष्प अर्पित किए। इसके बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को भी सुना गया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए गए। अमेठी में सावन की धूम देखने को मिल रही है। अमेठी में भी सावन के पहले सोमवार को भारी संख्या में भक्त प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं गोमती नदी के किनारे बाबा दंडेश्वर धाम नाम से स्थापित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बाबा झारखंडेश्वर, बाबा तपेश्वर, बाबा बिल्वेश्वर प्राचीन शिव मंदिर,
बूढ़े बाबा के मंदिरों के साथ ही साथ गांव में स्थापित शिवालयों पर शिव भक्तों ने पहुंचकर जल अभिषेक किया। और ये मंदिर बहुत पुराना है, किद्वंती के अनुसार तो कभी पांडव यहाँ से गुजरे थे, जब वो अपना मुकुट चढ़ाए तो ये बाबा मुकुटनाथ कहलाए और तब से बाबा का मेला चला आ रहा है। शिवरात्रि को भी बहुत बड़ा मेला, सावन माह में एक महीन का मेला चलता है और मलमास को भी एक मानों का मेला चलता है। आज यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही, कैसे लोग यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था रहती है और भक्त लोग अपना पूजा कर रहे हैं, अपने हिसाब से सब आ रहे हैं, भक्तों को कोई तकलीफ नहीं है, सब भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या के मवई में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अगस्त महीने से शुरू होने जा रहा है, जिसका आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने जायजा लिया और लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बाद इंडिया वॉइस की टीम ने निर्माणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य का जायजा लिया। के मवई के हुनहुना में राजकीय मेडिकल कॉलेज का कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है और लगभग ये 45.95 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं कि यहीं पे ओपीडी चलेगी, यहाँ पे मरीजों को देखा जाएगा और जो मरीज आएंगे वो यहीं पे ओपीडी पूरी चलेगी, कई डॉक्टर यहाँ पे बैठेंगे राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल मेडिकल कॉलेज में। मरीजों को आस पास के कई जिलों को जोड़ने वाला है ये, बाराबंकी, अमेठी और अयोध्या को जोड़ने वाला ये मेडिकल कॉलेज होगा और यहाँ पे नीट के थ्रू जो है बच्चे भी आएंगे, मेडिकल की परीक्षा पढ़ाई भी करेंगे। और मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप दिखाएं कि देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कंप्लीट है और अभी 3 दिन पहले जो है आयुष मंत्री भी ने भी इसका निरीक्षण भी किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए। माना जा रहा है कि अगस्त में के महीने में जो है ये शुरू हो जाएगा और मरीज यहाँ पे ओपीडी में आकर के अपने को दिखा भी सकेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो रुदौली वासी है उनको काफी बड़ी सौगात यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो लगभग 45.95 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है और काफी तेजी से काम जो है यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो आयुष मंत्री आए थे उन्होंने यहाँ पे कुछ जो मेटेरियल है उसको भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए हैं और यहाँ पे भी मैं पीछे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य जो है बहुत तेजी से चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम, और ये मार्च पूरा होना था लेकिन अभी कुछ महीने और बाकी हैं इसको पूरा होने में और ये माना जा रहा है कि अगस्त सितंबर तक ये पूरी तरीके से फाइनल की स्थिति में होगा। और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है ये इस तरफ भी मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो आयुष मंत्री आए थे उन्होंने जो सवालिया निशान उठाया था कि मोरंग जो आई हुई है उसमें ट्रस्ट मिली हुई है और मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये वही ट्रस्ट है जो मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने इस मोरंग में जो है ट्रस्ट होना बताया था, इसका सैंपल भी लेकर के गए हैं, लैब में उन्होंने भेजा भी है और ये जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन करा रहे हैं उनसे हम राकेश द्विवेदी जी हैं उनसे हम बात करते हैं क्या कहेंगे। यहाँ पे आयुष मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि ये मोरंग में मिट्टी मिली हुई है, क्वालिटी थर्ड क्लास की है, क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमारा गुणवत्ता पूरा है और ये मोरम जो माननीय मंत्री जी के आने पर मोरम रखी थी वो भी मोरम आज भी यहाँ पे है और कुछ स्थानीय लोकल के लोग जो इस मिट्टी को मोरम को मिट्टी बता करके माननीय मंत्री जी। और उसके बाद सीधे रुक करते हैं संसद का, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना संबोधन दे रहे हैं। सबमिट इन फ्रंट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस थ्रू यू सर। सर लेट मी इन्फॉर्म दिस अगस्त हाउस द बैकग्राउंड ऑफ द नीट व्हेन दिस हैज बीन द सिंगुलर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन पैटर्न व्हेन दिस हैज बीन डिसाइडेड आई एम पुटिंग द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू सर। इन 2010 फॉर द फर्स्ट टाइम दिस डिसीजन हैज बीन टेकन बाय दी देन गवर्नमेंट सर। एवरीबॉडी नोज इन 2010 हु वाज इन द गवर्नमेंट, हु हैज सपोर्टेड दिस गवर्नमेंट। फर्स्ट टाइम इन द 2010 दिस डिसीजन हैज बीन टेकन। सब्सिक्वेंटली ट्वाइस दिस इश्यू हैज बीन रेज इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level, primary first, at first this examination was conducted by CBSE, subsequently this the new agency
National Testing Authority has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is a categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, all India pattern examination is very successfully on. And regarding Shri Tamil Nadu, sir, Sir, question number 16. Sir. No, how can it? Same. Same question. सर एन के प्रेमचंद जी क्या आप प्रश्न नहीं करना एन के प्रेमचंदन जी सर प्लीज सर द बेसिक इश्यू बिफोर अस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन लॉस्ट सर 24 लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर द नीट यूजी एग्जामिनेशन दिस टाइम द करप्शन हैज स्टार्टेड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नाउ दिस टाइम द रजिस्ट्रेशन डेट हैज बीन एक्सटेंडेड And for correcting the Aadhaar updation, that has also been extended. And the leakage of paper has also happened in Patna. And after all these things, now the future of the students is in big danger and they are very much apprehensive. They are all approaching us as the people's representative. So the point is the CBI investigation is going on. So far, only one case is registered and one affair is registered. CBI investigation is going on and a committee has also been constituted to look into it. So our case is whether since it is a matter which is concerning the people at large, I think that this is the right forum by which this matter has to be discussed. So my question is, one question is regarding the centers of excellence like AIIMS, JICMA, RAIF, whether a separate competitive test will be conducted and in order to examine in detail whether a joint parliamentary committee be constituted so as to investigate into this matter, that is a specific question I am asking, sir. Honorable Speaker, sir, as I said in my previous reply, there is a background why this pattern of NEET examination is conducted. With utmost respect to this house, I am again politely saying, due to different views, Honorable Supreme Court has categorically twice said this centralized examination pattern has to be there. Regarding some anomalies, very Government has nothing to hide. We have put all the facts in front of Supreme Court. Very right now, Supreme Court is hearing that case. It will be proper to just wait and watch what Supreme Court is giving instruction. And this house is open to any kind of discussion. Akhilesh Yadav ji, ek minute mein sabka jawab dunga aaj. Chalo beto. Adhyaksh Mahoday, main aapka dhanyawad dena chahta hoon. Desh ke bahut mahatvapurn sawal par aapne mujhe puchne ka samay diya hai. अध्यक्ष महोदय ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी अध्यक्ष महोदय मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें अध्यक्ष महोदय मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है पूरे देश के छात्र इस पर आंदोलित थे लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं लोग पकड़े जा रहे हैं जेल भेजे जा रहे हैं मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे 30,000 सीटें जहां हैं कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं सरकारी सीटें 30,000 हैं कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए okay. कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं ओके okay. और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की ओके अध्यक्ष महोदय मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को अध्यक्ष महोदय आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा
कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, यह सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम यह कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी, इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सुबह की सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज। राहुल गांधी जी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? स्पीकर सर, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री दैट देर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आर examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर, ये 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 मैं क्वेश्चन को सेट अप कर रहा हूँ। कालेज के प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's okay. The first question. Okay. Question mein chal raha hai. Please. अब मैं मंत्री जी मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुनके मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है, मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसके उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठा किया, किसके दबाव में उठा किए? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की
दबाव में, उनकी उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उजड़ किया था। सच सुनने की सामने ही है ये, मैं किसी की विद्वत्ता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उजड़ किया, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा, एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए, नो एक प्लीज बैठिए आप पहली बार, हाँ एक मिनट, कल्याण जी प्लीज, कल्याण जी कल्याण जी प्लीज, कल्याण प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज, एक मिनट सबको मौका दूंगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार इस सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, वहां भी कई बार प्रश्न लीक हुए, प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूं, जिसको आप पूरी बात सुनिए मेरी, मेरा कहना यह है कि हम और उन राज्य, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट दीजिए सारी, हमारा सवाल यह है कि हम यहां इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए, ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी, एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है, हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है, और इसके लिए सभी राज्यों ने अपने अपने यहां कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए, कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है, हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो, और कभी भी सारे एग्जामिनों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है, ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन नंबर 3, श्री डी प्रसाद राव, प्रश्नकाल में सबको सवाल उठाने दिया, और एक बार सवाल उठाने के बाद दोबारा नहीं उठाने दिया जाता, संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है और नियम प्रक्रियाओं से मैंने चलाया। श्री डी प्रसाद राव, प्रश्न नंबर 3, 9 नंबर से मैंने सदन की चिंता क्वेश्चन नंबर को बता दिए और आप सबको बता दिए। Thank you so much for allowing me to speak this important question. I am Prasad Rao from Chittoor constituency, Andhra Pradesh. Our beloved Honorable CM Chandrababu Naidu garu has requested substantial financial support from the centre to help reconstruct and rebuild the Andhra Pradesh. Ek minute please, Manasur. Aap prashn sankhya 3 hai, pehle bolo prashn sankhya 3. क्वेश्चन नंबर 3, माननीय मंत्री जी, कोई दिक्कत नहीं, सब सीधे
पहली बार आए, अब मान्य प्रश्न पूछे, प्लीज सदस्य।